हेलो एवरीवन, इट्स चिबी यार। और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक न्यू एपिसोड में स्वागत है। जैसा कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, जाओ यहाँ पे ना 2-3-4 हेवनली फ्रूट लेने के बाद बाइक के साथ तो भागने लगते हैं, लेकिन दूसरी ओर जो यहाँ पे गार्डियन ड्रैगन था ये देखने के बाद वो तो समझ गया था कि मामू अभी उसके साथ ना लोचा तो हो ही चुका है। और जो समझने के बाद वो तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ ना बेचारे बाइक के ऊपर अटैक कर देते हैं। और तभी वो वाला अटैक ना डायरेक्ट जाकर हम लोग बाइक का जो पड़ा था उससे जाने लगता है, जो देखने के बाद हम लोग जाओ तो डर ही गया था और कहते हैं कि मेरे प्यारे बाइक की जल्दी करो मेरे पास आ जाओ। लेकिन तभी ना बाइक ही और उसे ड्रैगन के पीछे आराम करके भी छूटते हैं, जो देखने के बाद ना बाइक ही और वो ड्रैगन दोनों के दोनों चौंक गया था। लेकिन तभी ना जाओ यहाँ पे अनुभव कर रहा था कि उसके पीछे ना इन दोनों से भी ज्यादा पावरफुल कोई ड्रैगन तो आ चुके। और ये समझने के बाद ना वो झटपट करके पीछे की तरफ देखते हैं और जो देखने के बाद वो तो चौंक ही गया था, क्योंकि यहीं पे ना जाओ के पीछे से हम लोग मिशनिया ने ना एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन को समन कर लिया था, जो कि कोई ऐसा वैसा ड्रैगन नहीं था, क्योंकि ना ये ड्रैगन लॉर्ड के लेवल पे था। जो आते ही यहाँ पे जितने सारे गार्डियन वाले ड्रैगन थे ना सबको झटको लाल कर देते। और तभी यहाँ पे हम लोग नैन कहते, अरे जाओ तुम यहाँ पे टेंशन मत लो, क्योंकि ना मैं इन लोगों को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे निंदिया में भेजाऊँ, वैसे भी थोड़ी देर बात तो ये लोग जाग जाएंगे। पर दूसरे यार हम लोग जाओ ना पहले से ही ये ड्रैगन देखने के बाद डर गया था। और तभी वो कहता है, अरे मिस्टर मुझे पता ही था आप ना सच्ची में बहुत पावरफुल निकले, लेकिन वैसे भी आपका ये वाला ड्रैगन ना देखने में सच्ची में बहुत खूब दिख रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे जो बने वाला ड्रैगन था वो हम लोग जाओ को डांटते हुए, अरे इंसान तुम्हें अभी तक पता नहीं चला ये लड़की कौन है, वैसे भी नाम जो है ना उसे अच्छे से लिया करो, वरना ना मैं तुम्हें पंच मार मार के ना पंचूलाल बना दूंगा। तभी यहाँ पे जो हम लोग भूलने वाला फिजी था ना वो सामने आता और कहता है, क्या एंसेस्टर ड्रैगन? ये तो एंसेस्टर ड्रैगन का डिसेंडेंट है, ये बहुत ही पावरफुल है। जो सुनने के बाद जाओ कहता है, क्या एंसेस्टर ड्रैगन का डिसेंडेंट? और तभी जो सुनने के बाद हम लोग खुशी में कहते हैं, हाँ हाँ छोटे बच्चे जाओ तुम्हें पता नहीं क्या, जो चीवेन था ना एक प्राइमेडल ड्रैगन का बेटी थी, वो ना बहुत ही पावरफुल ड्रैगन थे, और उसी के जितने सारे चीव ड्रैगन थे ना उसके अंदर जो ब्लड लाइन है अगर वो प्योर मिल जाए ना तो उन लोगों को चीवेन कहा जाता है। वैसे भी ये वाला ड्रैगन ना एक चीवेन ड्रैगन है, और बहुत सालों पहले ना एक लड़की ने यहाँ पे ढूंढ निकाला कि जो चीवेन ड्रैगन है उसके साथ अपने सोल को ना फ्यूज किया जाता है। लेकिन मैं ये बारे में सोच सोच के यहाँ पे परेशान हो जा रहा हूँ कि ये छोटी सी लड़की इतने पावरफुल ड्रैगन को कंट्रोल कैसे कर रही है। जो सुनने के बाद ना हम लोग बेचारा जाओ तो यहाँ पे टेंशन में पड़ जाता है, जहाँ पे वो सोच रहा था कि जो नैन से है ना मुझे लग रहा है ये जो सिंजी की है उसी के डिसेंडेंट है, वरना वो कैसे यहाँ पे चीवन ड्रैगन को कंट्रोल कर पाता है। वैसे भी मैं तो इसके बारे में एकदम कन्फर्म हो चुका हूँ, जो यहाँ पे हम लोग एंसेस्टर ड्रैगन लैंड है ना ये हम लोग बड़े दुनिया का हिस्सा हुआ करता था, और अभी जो बर्बल लैंड था उसी की तरह नीचे दराम करके गिर चुका है। पर एक चीज ना मुझे बहुत दिनों से सताया जा रहा है, ये मिस नैन का लोचा क्या है, कभी कभी तो एक डेमी गॉड पेंटर बन जाती है, लेकिन कभी कभी ना ये मेरे जैसा एक सिंपल ड्रैगन मास्टर भी बन जाती है। लेकिन ये तो होना नामुमकिन है, एक शरीर के अंदर कोई भी ड्रैगन मास्टर और डेमीगॉड एक साथ नहीं हो सकता, मुझे तो लगता है इसके अंदर ना 2-2 सोल है। तभी जो सोचने के बाद ना हम लोग ज्यादा डर ही गया था, क्योंकि अभी अगर मिस नैन के पास 2-2 सोल है तो उसके ट्विन सिस्टर के पास भी तो 2-2 सोल होगा ही ना, क्योंकि दोनों के दोनों तो एकदम ट्विन है, एक के जैसा ही एक है, और ये ट्विन सिस्टर और कोई नहीं हम लोग जाओ का वाइफ यूनजी थी। तभी यहाँ पे जाओ सोच रहा था कि हाँ ऐसा तो हो ही सकता है, क्योंकि कभी कभी ना यूनजी बहुत ही अच्छी पेश होती है, लेकिन कभी कभी ना वो बहुत ही सीरियस हो जाती है। जो सोचते हुए ना हम लोग जाओ डायरेक्ट मिस नैन के पास चले जाते हैं और कहते हैं, क्या मिस नैन ये हो सकते हैं आपके शरीर के अंदर 2-2 सोल है? तभी जो सुनने के बाद ना नैन कहते हैं कि अरे बंदा तुझे आज यहाँ पे पता चला, मैं तो कितने दिन से सोच रहा था कि तुझे कब पता चलेगा। पर तभी ना यहाँ पे जाओ पूछ रहे थे, क्या ये हो सकता है मेरे बीबी के पास भी 2-2 सोल है? और तभी अभी यूनजी कहते हैं, हाँ हाँ तुम्हारे बीबी के पास भी ना 2-2 सोल है। और जैसा कि तुम्हें पता ही है जो लियूनजी और नैन ने सर दोनों तो ट्विन है, और हम भी ना नैन यूज हो और सिंग्स हुआ दोनों के दोनों यहाँ पे ट्विन है, और हम दोनों ना इन दोनों से बहुत साल के छोटे हैं। वैसे भी हम लोग के साथ छोटे में कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते ना अभी हम दोनों को इन दोनों के अंदर घुस के रहना पड़ रहा है। पे ना मिस नैन को ऐसे उदास नहीं करने के बाद ना हम लोग जाओ भी थोड़ा सा सैड हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि देखो तो बेकार में मेरे वजह से आप यहाँ पे उदास हो जाएगा। तभी यहाँ पे ना नैन थोड़ा सा मुस्कुराते और कहते हैं, वैसे भी बंदे मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, तू डंजन के अंदर जिसके साथ सोया था ना वो तो यूनजी नहीं था। सुनने के बाद मानो हम लोग जाओ ना एकदम चट्टे आसमान से नीचे गिरते हैं और कहते हैं, क्या ये यूनजी नहीं था? जो सुनते ही ना हम लोग नैन कहते हैं, अरे तुम्हें पता नहीं उसके अंदर ना तभी सिंग्स हुआ था जिसके साथ तुमने ना ऐसा वैसा मोमेंट किया। वैसे भी मैंने कहा था ना तुम एक एस्ट्रोलॉजर के साथ मिलोगे, यही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जिसके चलते ना उसके पास पावर तो नहीं था, और तभी ना उसे उस डंजन के अंदर ट्रैप किया गया था। ये अगर यूनजी होता ना तो उस डंजन को ही तोड़ देता। जो सुनने के बाद तो जाओ डर ही गया था और सोच रहा था कि अभी मेरे साथ क्या होगा, मैं किसके साथ यहाँ पे रात बिताएं, और वैसे भी मैं किसके साथ शादी करने का सपना दिख रहा था। और तभी जाओ अपने आप से कहता है, अरे देखो तो ये जो चीज़ है ना बहुत लोचेला है, और इसके बारे में सोच सोच के ना मैं परेशान हो जा रहा हूँ। वैसे भी यूनजी आने दो, उसके बाद ही मैं देखूंगा कि क्या होता है। लेकिन ये यूनजी का जो सिस्टर ना ये सच्ची में एक बहुत ही डेविल है, इसके बाद का एक ही करना है मुझे नहीं चाहिए।
और तभी अपे फिर से जो नैन थी वो कहते, अरे देखो सामने ना जगह देखो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छे। जो दिन के बाद जगह था, हाँ कल्टीवेशन के लिए जगह तो अच्छे है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन ना आपस में फाइट करे, क्या यहाँ पे जाना अच्छा भी होगा। और तभी हम लोग को यहाँ पे एक क्लाउड वेल दिखाया जाता है जिसके आसपास का जो की वाई पावर था वो बहुत ही ताजा था, और यहाँ पे ना बहुत सारे ड्रैगन इसके लिए फाइट कर रहे थे। जो देखने के बाद अभी जगह, अरे जगह तो बहुत अच्छा है लेकिन पहले कौन जाएगा। और तभी ना दोनों को दोनों यहाँ पे डिसाइड करते हैं, चलो यहाँ पे रॉक पेपर सीजर किया जाए, जो जीतेगा वो पहले जाएगा। तभी अभी जाओ जीत जाता है। जो देखने के बाद अभी नैन कहते हैं, वैसे भी लड़की को ना पहले जाने देना चाहिए, लेकिन तुम तो देखो पहले जाने के लिए बेताब हो जाते। ठीक है ठीक है, तुम अगर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, वैसे भी एक दिन के ज्यादा ना मैं तुम्हें गार्ड नहीं देने वाला। जो सुनने के बाद जाओ कहते ठीक है ठीक है, मिस यूसो आप ना सच्ची में बहुत ही अच्छी हो। तभी ना अचानक से मिस नैन वापस आ जाते, और तभी ना वो पीछे घूमने के बाद हम लोग जाओ से कहते हैं, अरे बबुआ तुम्हें किसने कहा कि मैं मिस यूसु हूँ, वैसे भी मैं मिस नैन हूँ। जो सुनने के बाद जाओ तो यहाँ पे घबरा सा जाता है, कहता है ठीक है आप जो भी हो वैसे भी मुझे यहाँ पे गार्ड दो, मैं यहाँ पे कटिपेट करने के लिए जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे मिस नैन ना अपने जो पेंटेड ड्रैगन था उसे निकाल लेते और कहते ठीक है जल्दी करके जाओ, वैसे भी तुम्हारे पास ना एक दिन का ही टाइम है, जितना हो सके उतना सा यहाँ पे कटिपेट कर ही लो। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो गए, हम लोग जो स्पिरिचुअल आई ऑफ द क्लाउड सी था ना उसी का सीन दिखा जाता है, जिसके ऊपर बैठे बैठे अभी हम लोग जाओ बाबू ना कल्टीवेट किए जा रहा था। तभी वो कल्टीवेट करते करते सोच रहा था कि यहाँ पे कल्टीवेट करने के वजह से मेरा जो पावर है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ मेरा जो स्पिरिचुअल डोमेन है उसके अंदर ये पावर जाने के वजह से मेरा छोटू बाइकी और ग्रेनी ना बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे पावरफुल बन रहा है। और तभी हम लोग जाओ सोचते हैं कि चलो मेरे दुनिया के अंदर भी एक छोटू सा स्पिरिचुअल वेल बनाया जाए, क्या पता इसके तरह ही वो पावरफुल निकले। और ये सोचने के बाद ना हम लोग जाओ अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियस के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद ना इसके अंदर जितने सारे पावर था उसे आहिस्ता आहिस्ता अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर ट्रांसफर कर रहा था, जिसके चलते ना वहाँ पे पहले तक बूम करके आ जाता है, उसके बाद सच में एक छोटू सा स्पिरिचुअल वेल तैयार हो जाता है जिसका पावर ना अभी सब यहाँ पे एब्जॉर्ब करने लगते हैं। जो देखने के बाद अभी जाओ कहते हैं, अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, इसके चलते ना अभी मेरा छोटू ग्रिनी मेरा जो बाइकी है ना वो भी बहुत पावरफुल बन जाएगा, वैसे भी अभी तो मुझे पता चला है मेरा जो स्पिरिचुअल डोमेन है ना ये सच्ची में बहुत पावरफुल। और तभी अभी बाहर का सीन दिखाया था, जहाँ पर कि ना बानी मास्टर किसी से कह रहा था कि भागो भागो तुम कितने दूर तक भाग सकते हो, मास्टर जल्दी करो ना इसे मार दो, ये बंदा ना बहुत दिन से हम लोग को परेशान किए जा रहे हैं। तभी अभी जाओ को दिखाया था जो कहते हैं, ओए निंसा तुम कहाँ पे जा रहे हो, वैसे भी नीचे आओ मेरा टाइम हो चुका है, और अभी ना तुम जाओ कल्टीवेट करने मैं तुम्हें यहाँ पे प्रोटेस्ट करूंगा। जो सुनने के बाद निंसा आ जाता है और कहते हैं क्या इतने जल्दी, तभी जाओ कहते हैं हाँ ये तुम्हारे लिए डिस्काउंट था, वैसे भी मैं ना हाफ दिन में मेरा काम कर लिया। तभी बनी मास्टर कहता है, अरे बंदे तूने ना यहाँ पे दो दो दिन लगा दिया। जो सुनने के बाद जाओ कहते हैं, अरे मुझे माफ कर देना मैं यहाँ पे गलती से दो दिन लगा लिया, वैसे भी तुम भी जाओ तुम भी यहाँ पे ना दो दिन तक कल्टीवेट कर सकते हो। तभी जो सुनने के बाद अभी निंसा हम लोग जाओ को अपना बनी मास्टर को देता है और कहता है कि इसके पास ना हीलिंग करने का बहुत पावर है। हाँ जाओ मेरे बेटे देख के यहाँ पे ना एक बहुत पावरफुल ड्रैगन है जो हम लोगों को ना बहुत दिनों से तंग किया जा रहा है। तभी बनी मास्टर कहता है, अरे मालिक आप अच्छे से कल्टीवेट कीजिए, वैसे भी मैं जाओ बंदे को देख लूंगा। तभी नेक्स्ट सीन शुरू होता है जहाँ पर बनी मास्टर ना किसी को देख के बहुत ही डर जाता है और कहता है, अरे जाओ देखो देखो कौन आ चुका है। तभी ना उन लोगों के सामने एक बहुत ही पुराना 7,000 सालों पुराना एक फायर क्रेस्ट गोल्डन भर्चर आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो बनी मास्टर रोने लगता है और कहते हैं कि जाओ देखो ना ये बंदा मुझे खाने के लिए क्यों आ रहा है। तभी जाओ कहता है, अरे तुम्हें पता नहीं ये जो भर्चर होते हैं ना इसे ना बनी का मीट बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो मुझे तो लग रहा है ये बंदा ना तुम्हारे लिए ही यहाँ पे आ चुका है, चलो जल्दी करके छुप जाओ मैं इसे संभाल लेता हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होते हैं खत्म। अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ भाई अगर ये वाला एपिसोड थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ सही हो नारा।